नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 7 बज चुके हैं और वक्त अब आपसे सीधे जुड़ने का है। वैसे तो 7 की बात में जो भी पूरे दिन की बड़ी खबरें होती हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सवाल उठाऊंगी जो सवाल आप लोगों के जहन में भी है और जो जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ सवाल यूपी का है जहाँ कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक चश्मे से क्यों हर मुद्दे को देखा जाता है, क्यों किसी घटना को आमतौर पर देखकर उसका हल नहीं निकाला जाता, आखिर क्यों, ये तमाम सवाल हैं। आज 7 की बात में रुक करेंगे यूपी के कानपुर का, वही कानपुर जो सूबे की राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। ये वही कानपुर है जो साल 2020 में एक गैंगस्टर के कारण सुर्खियों में आया था और रातों रात पूरे देश भर में कानपुर फेमस हो गया था। और बात लखनऊ की करें तो पिछले कई दिनों से लखनऊ चर्चा में है और वजह है मैडम प्रियदर्शनी। आपको याद हो गया होगा कि ये वही थप्पड़ वाली मैडम है। आगे मुद्दे पर आऊं उससे पहले जरा आपको ये बता दें कि सालों से भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी ऐसा होता है, लेकिन क्या आप यूपी में रहते हैं तो आपको जय श्री राम बोलना जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, शायद नहीं, लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार ऐसा करते हैं और जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। हालांकि इस मामले को धन परिवर्तन से पूरी तरह से जोड़ा नहीं जा सकता, या ये कहें कि इसे कहा नहीं जा सकता। तो चलिए अब रिपोर्ट में आपको जल्दी से इस मामले को बता दें, उसके बाद विस्तार से चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में जबरन जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम रिक्शा चालक की कुछ लोगों द्वारा कथित पिटाई के मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये मामला बीते 11 अगस्त का बताया जा रहा है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस घटना के वीडियो में कुछ लोग एक मुस्लिम रिक्शा चालक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो उससे कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, हालांकि इस वीडियो को हम साफ साफ आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये वीडियो मार्मिक है। वैसे अब तक ये वीडियो यूपी की 22 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंच ही गया होगा। दरअसल पीड़ित रिक्शा चालक की पहचान अफसार अहमद के रूप में हुई है। वीडियो में रिक्शा चालक की बच्ची हमलावरों के आगे अपने पिता को छोड़ देने की मिन्नतें करती गिड़गिड़ाती नजर आ रही है। बाद में कुछ पुलिसकर्मी उस रिक्शा चालक को अपनी जीप से ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फुटेज में ये भी देखा गया कि पुलिस की मौजूदगी में भी हमलावर रिक्शा चालक को पीटते रहे। ये वीडियो देखकर किसी का भी दिल उस मासूम बच्ची की आवाज सुनकर पसी जाएगा, लेकिन इन लोगों का दिल हाँ, मैं कह रही हूँ कि अभी वही कानपुर की पुलिस उपाधीक्षक रवीना त्यागी ने बताया कि ये घटना बुधवार को कानपुर के बर्रा इलाके में राम गोपाल क्रॉसिंग के पास एक बस्ती में घटित हुई। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शामिल किसी भी संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। आज थाना बर्रा क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे के पास कच्ची बस्ती जो है वहां की एक घटना का वीडियो प्रकाश में आया, जिसमें एक व्यक्ति के साथ लोग मारपीट कर रहे हैं। जो पीड़ित है उसकी तहरीर के आधार पर कुछ नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ लोगों ने भगवा गमछा लिया है तो पीड़ित के हाथों में हरे रंग का कोई कपड़ा नजर आ रहा है। इसके साथ ही बार बार पीछे से ये आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, जिसमें कुछ दबंग जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं और बार बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पीछे से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मारो मत। वहीं वारदात के शिकार हुए ई रिक्शा चालक ने बताया कि बुधवार करीब 3 बजे कुछ लोग गाली गलौज करते हुए उसे मारने पीटने लगे। कुछ खबरों की माने तो पीड़ित ई रिक्शा चालक के एक रिश्तेदार का उसके बहुसंख्यक पड़ोसियों के खिलाफ जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है और पिछले जुलाई में इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि अभी कुछ भी साफ नहीं है। वहीं पीड़ित 34 वर्षीय अफसार अहमद ने अपनी शिकायत में 5 लोगों का नाम लिया है, जबकि 10 अज्ञात है।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147 यानी कि दंगा, 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या फिर 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अहमद की शिकायत के अनुसार उसने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई और कहा कि मुझे इलाका छोड़ देना चाहिए, मुझे पुलिस ने बचाया। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में बीते गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान अजय राजेश पैनवाला, अमन गुप्ता और राहुल कुमार के रूप में हुई है। वहीं कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम कुमार अरुण ने कहा है कि हम अन्य आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। इस बीच बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने तीनों की गिरफ्तारी के खिलाफ कानपुर में डीसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस आयुक्त अरुण ने कहा है कि पिछले विवादों में दोनों पक्षों की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस मामले के बाद में जबरन धर्मांतरण के आरोप भी सामने आए थे। कानपुर नगर का एक वीडियो प्रकाश में आया था जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी। इस संबंध में अपडेट देना है कि घटना के तुरंत बाद ही पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को बचाया गया, थाने लाया गया और जो उन्होंने शिकायत की उसके मुताबिक इसमें एक FIR दर्ज की गई। कल इस FIR के इन्वेस्टिगेशन में 3 मुख्य अभियुक्त जिन्होंने मारपीट की थी उनको अरेस्ट किया गया है। जो घटना जहाँ पे हुई थी, जो क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है, स्थिति समान है और आगे भी इसमें जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है क्योंकि जांच के दौरान इसमें शामिल परिवारों की एक महिला ने दावा किया है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया है। इसमें बजरंग दल का नाम साफ तौर पर सामने आ रहा है, जिससे बजरंग दल भी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मामला ये है कि ये लोग कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ, हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो, धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे, कहीं इधर से पल्ली नोचते कहीं उधर से पल्ली नोचते, कहीं बिटियन कहीं चट घसीटन कर रहे थे। ये लोग कहते रहने नहीं देंगे, जान तो मार देंगे, कमाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, कहाँ लगे हम घर पे घुसी रहा मुसलमान है। थाने में शिकायत कर रहे, 1 महीना तो बराबर तो जा रहे पर कोई सुनाई नहीं मेरी हो रही है। आज क्या किया, यही देखो जो हो रहा है यही हो रहा है। वही लोग तो सब डंडा ले ले आ गए थे मारने को, जब हमने आवाज उठाया तो वही लोग मारने का आ रहे हैं, अब अकेले हम क्या कर लेंगे उनसे। हाँ हमारे सपोर्ट में दे रहे हैं लोग सपोर्ट। हाँ मुल्ला का गिरफ्तारी की नहीं ना, और नहीं देखा किसी के गिरफ्तारी की नहीं। हाँ आप कार्रवाई कर रही, पहले नहीं किया कुछ। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी और मामले को भी मोटे मोटे तौर पर समझ लिया, लेकिन अब भी इस मसले में कई परतें हैं जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है, या ये कहें कि सच उजागर होना बाकी है। वैसे कुछ खबरों की माने तो मामले की शुरुआत 9 जुलाई को हुई थी, जब बर्रा आच निवासी एक परिवार की नाबालिग बेटी से कुछ युवकों ने छेड़छाड़ की थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इस मामले में कुछ नेताओं का भी हस्तक्षेप बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर 3 सगे भाइयों सद्दाम, सलमान और मुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR सिर्फ छेड़खानी की धारा में दर्ज कराई गई, जबकि मां ने धर्मांतरण के दबाव का आरोप भी लगाया है, जो आपने अभी सुना भी, जिसके बाद धर्मांतरण की धारा ना लगाने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपितों के घर पहुंच गए। आरोपित परिवार नहीं मिला तो उसके पड़ोसी ई रिक्शा चालक अफसार अहमद को पकड़ लिया, उसे पीटते हुए राम गोपाल चौराहे तक ले गए, जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वही इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कानपुर शहर में सांप्रदायिकता का जहर खोला जा रहा है। यहां ट्वीट लगातार करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने कानपुर में सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान दी थी, आज उनके शहर कानपुर में जहर घोला जा रहा है। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आत्मीयता जिसे ढूंढने में जमाने लग गए। ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। हालांकि ये ट्वीट का दौर पुराना नहीं है और
पहले से भी ऐसी तमाम चीजें जो है वो सामने आई है। कांग्रेस छोटे से छोटे मुद्दे को लगातार उठाती नजर आई है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने खूब राजनीति की है, लेकिन देखिए कोई घटना हो और राजनीति ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, ये होना लाजमी है। लेकिन सवाल ये होते हैं कि आखिर क्यों किसी भी घटना में जांच होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप होने लगता है? क्या ये आग में घी डालने जैसा नहीं है या ऐसी चीजें नहीं है? यह सब कुछ जानते हुए भी इन मुद्दों पर ज्यादा बयानबाजी की जाती है। इस पूरे मामले में बजरंग दल का नाम सामने आ रहा है क्योंकि बजरंग दल ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन क्या किसी को यह हक है कि बिना जाने किसी को भी बीच चौराहे पर मारना शुरू कर दे? यह हक किसने दिया? कानून को ताक पर रखने की इनकी जरूरत क्यों हो जाती है? ये हक इन्हें आखिर किसने दिया है? ऐसे सवाल मैं भी कर रही हूं और आम जनता भी करती है। बहरहाल जरा आप सुनिए कि इस मुद्दे पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्योंकि ये सुनना भी जरूरी है। कानपुर में कल क्षमता की संचालक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारा। देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम दल और हिंदू दल की बात नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। सरकार बार बार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है और कोई भी आदमी आराम से रह सकता है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में निकला है कि 3300 आदमियों का इनकाउंटर हुआ है अपराधियों का। तो अब आप ये सोचिए, इतना करने के बाद भी अगर यहाँ पर रोज़ आए दिन मारपीट खुलेआम हो रही हो और पुलिस कुछ न करे, तो इससे ज़्यादा तो कोई दुर्व्यवस्था हो नहीं सकती। इस सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था पूरी तरह से निकल चुकी है और इसीलिए रोज़ आए दिन झगड़े होते हैं, उसको चाहे आप धार्मिक स्वरूप दीजिए चाहे कोई स्वरूप दीजिए। देखिए कानपुर की जो घटना है इसकी शुरुआत जो है छेड़खानी की घटना से हुई, इसके बाद इसमें जो है धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, ये दो पक्षों की लड़ाई है। इसके अलावा जिस तरह का कल वीडियो आया उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम बना दी गई है। पुलिस जो है लगातार इस पर जो है सख्त कार्रवाई कर रही है और एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग भी माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो लोग भी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे, जो लोग भी भगवान श्री राम के नाम पर नारे लगाएंगे, चाहे वो किसी भी दल से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी समुदाय से हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो हमारी पुलिस लगातार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए विपक्ष का काम है नकारात्मक राजनीति करना और विपक्ष अपनी इस भूमिका को लगातार पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में निभा रहा है और मैं उसको शुभकामना भी दूंगा कि इसी तरह वो नकारात्मक राजनीति करते रहे। तो आपने बीजेपी को भी सुन लिया और कांग्रेस को भी सुन लिया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी जो है वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ भी दिलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राम के नाम पर क्यों बवाल किया जाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी राम के नाम पर तमाम हिंसाएं हुई हैं। कुछ अगर बात की जाए तो बयान सामने आए थे, वो बयान मैं आपको सुना नहीं सकती लेकिन उनका जिक्र जरूर कर सकती हूँ। ऐसे में तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। मेरे सहयोगी आशीष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से फोनलाइन पे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं। थोड़ा बहुत मोटा मोटा हम समझ चुके हैं लेकिन अब भी इस पूरे मामले में परते उठना बाकी है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कानपुर का ये पूरा मामला है, यहां पर यह कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा या बीजेपी नेताओं के द्वारा कि एक छेड़छाड़ का मामला था लेकिन बाद में इसे धर्मांतरण का रूप दिया गया। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की स्थिति है, पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि तनाव की स्थिति अभी भी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए तनाव की स्थिति आगे भी बनी हुई है लेकिन जो वास्तविक हकीकत है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर कानपुर पुलिस ने और स्थानीय थाना पुलिस ने सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो शायद आज इतना बड़ा यह मामला खड़ा ना होता। बजरंग दल के जो लोग पहुंचे थे वो इसी बात से नाराज थे क्योंकि पुलिस जो कार्रवाई कर रही थी वो नाकाफी कार्रवाई थी। पुलिस ने अब तक जांच के नाम पर पूरे मामले को लटका रखा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता जब मौके पर पहुंचते हैं उससे पहले संबंधित जो क्षेत्राधिकारी यानी
जो इनके एएसपी रैंक के अधिकारी हैं और संबंधित थाना अधिकारी हैं उनको सूचना देकर मौके पर पहुंचे थे। यानी ये साफ तौर पर कहा जाए कि पुलिस को इस बात की सूचना थी कि बजरंग दल के लोग अपनी टीम के साथ बिल्कुल आशीष सवाल ये है कि बजरंग दल का हस्तक्षेप क्यों है इस पूरे मामले में। जब ये मामला छेड़छाड़ का था तो आरोपी जो थे जिन पर आरोप लगाया जा रहा था उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, बाकी उसका जो रिश्तेदार था जो ई रिक्शा चलाता था जिसकी मासूम बच्ची जो है वो बिलक रही है तस्वीरों में साफ तौर नजर आ रही है उसको क्यों पकड़ा गया और किन्हें इन्हें हक दे दिया है कि कानून अपने हाथ में ले और खुद ही इंसाफ कर ले सड़क पर। जी बिल्कुल, देखिए इनको हक दिया नहीं गया है, ये हक लेने का जबरदस्ती जो है उनको एक मौका दिया जाएगा इसको ये कहें, क्योंकि जो बजरंग दल के लोग थे उन्होंने पुलिस को पहले इस बात की सूचना दी थी कि वो मौके पर जा रहे हैं। पुलिस को इस बात को लेकर आगाह हो जाना चाहिए था आशीष, लेकिन पुलिस भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है जो वीडियो वायरल हो रहा है यूपी में कानपुर से। ये कानपुर वही कानपुर है जहां पर बिकरू कांड जैसे चीजें होती हैं और यहां पर गैंगस्टर को मार गिराया जाता है, लेकिन उसी कानपुर में इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। ये चीजें बहुत पीछे छूट गई है, 2022 का विधानसभा चुनाव जो है बेहद नजदीक है, पुलिस यहाँ मूर्तदर्शक बनी हुई है, आखिर क्यों, क्या बजरंग दल का कोई दबाव था? जी बिल्कुल, देखिए बजरंग दल का ही खाली दबाव नहीं था, सत्ता दल के एक विधायक के पुत्र जो है इस पूरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो मौके पर खुद वहां पर मौके पर मौजूद थे, शायद यही एक वजह थी कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक उनका बेटा जो है मौके पर मौजूद था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा था। पुलिस उसके प्रभाव में आने के चलते जो है कोई ठोस कार्रवाई मौके पर नहीं कर सकी। हाँ, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा है उस व्यक्ति को पुलिस बकायदा गाड़ी में बैठा रही है, उसको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही है, लेकिन उससे पहले का थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो ये भी दिखाई देगा कि उसको पीछे से मारा जा रहा है, यानी पुलिस कस्टडी के दौरान ही उसको मारा जा रहा है। बिल्कुल, और आशीष यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है इस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे सकता है कि जय श्री राम का नारा लगाइए। देखिए जय श्री राम के नाम पर आखिर कब तक हिंसा होती रहेगी उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, देखिए जय श्री राम का नारा लगाने का मकसद फिर कितना था कि जो एक हिंदू वाली छवि है वो बरकरार रहे और जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो है एक प्रभाव बनाया जा सके, जबकि हकीकत यह थी कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष था, जिसको पीटा गया है बिल्कुल निर्दोष था, इसका दूर दूर तक कोई लेना नहीं था, लेकिन फिर भी उसको आरोपी बनाया गया। खास बात यह है कि जो पुलिस तीन लोगों को इसने गिरफ्तार किया है, बजरंग दल के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, उसमें भी जो है मेन आरोपी जो है जिसकी बाइक भी मौके पर मौजूद है, जिसका चेहरा भी मौजूद है, जिसने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, यानी पूरी घटना को जो अंजाम देने में जिसकी मुख्य भूमिका थी, उस पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल आशीष, लेकिन सवाल तो ये उठता है, आम जनता ये पूछती है कि जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भव्य तौर पर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उस यूपी में, उस उत्तर प्रदेश में राम के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है, अभी क्या ये माहौल है, क्या ये माहौल नहीं है कि आपसी सौहार्द से रहा जाए, क्या ये माहौल अभी ऐसा है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए और राजनीतिक रोटियां सेकी जाए, साथ ही साथ बजरंग दल इसमें बीच में आए, बजरंग दल का क्या यहाँ पर क्या उसकी छवि रही है, यहाँ पर क्या मतलब था बजरंग दल का यहाँ पर आने का और इस तरह से हिंसा भड़काने का? बिल्कुल, देखिए बजरंग दल को एक मोहरा बनाया गया है, क्योंकि बजरंग दल को आगे कर राजनीतिक दल जो है वो अपनी रोटियां सेक रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 का यूपी में नजदीक है और इसको लेकर एक रंग बनाने की तैयारी की जा रही है, यानी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यूपी में एक बार फिर से जो हिंदू मुस्लिम का जो रवैया दिखाई देता था उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी की जा रही है और पुलिस का मूक दर्शक बना रहना। बिल्कुल आशीष, और ये जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, बताया जा रहा था, जो अभी हमने महिला को सुना भी है, महिला की बाइक को भी सुना है, उनके साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो मासूम बेटियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया करते थे जो आरोपी थे, और उसी के बाद ये सारा बवाल हुआ। इस पूरे मामले में उन्हें शिकायत भी दर्ज कराई थी, अगर शिकायत दर्ज कराई थी तो क्या तब एक्शन नहीं लिया गया था? जी बिल्कुल, देखिए अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो महिला के साथ छेड़छाड़ करना या किसी नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करना उसमें पासको एक्ट की धारा का उपयोग भी होता है और 354 जो धारा है उसमें बकायदा गिरफ्तारी का प्रावधान है। पुलिस चाहती तो तत्काल गिरफ्तारी कर जो है इस पूरे मामले को शांत कर सकती थी, कहीं ना कहीं आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। सिर्फ पुलिस ने जांच के नाम पर पूरे मामले को टालने की कोशिश की थी और इसकी वजह से बिल्कुल आशीष यानी कहा जा सकता है इस पूरे मामले को कुछ और ही रूप रंग देने की कोशिश की गई है। आशीष, एक आखिरी सवाल ये है कि फिलहाल क्या स्थिति है, क्या सब चीज पुलिस के कंट्रोल में है, शांति व्यवस्था बनी हुई है पूरे इलाके में?
देखिए इस पर साफ तौर पर कहा गया कि पुलिस अपने बल पर यानी पीएसी और पुलिस फोर्स के दम पर जो है शांति व्यवस्था को बनाए हुए है, लेकिन जो जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं इससे आहत है। अलग अलग जगहों पर इसके रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, कहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं किसी ना किसी तरीके से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है और पुलिस इसको जो है अपने बलपूर्वक दबाव बनाकर पूरे मामले को शांत करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला जहां पर एक छोटे से मामले को बहुत ज्यादा अलग रूप देने की कोशिश की गई है। दरअसल मामला तो था छेड़छाड़ का, लेकिन बाद में इस मामले को बढ़ाया गया। पहले पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बाद में फिर कार्रवाई करने का नाटक करती है। दूसरी तरफ जब वीडियो वायरल हो जाता है तब पुलिस यहां पर इस वीडियो में भी नजर आती है। मासूम बच्ची जिसके पिता को मारा पीटा जा रहा है, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, वहां पर उनसे किसी से भी ये नहीं हुआ, किसी भी पुलिसकर्मी से, कि उस मासूम बच्ची के आंसू जो हैं वो पोंछ लिए जाएं। और यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिन्होंने ये तमाम जो माहौल तैयार किया था, उनको वहां से खदेड़ा जाए, ऐसा नहीं हो सका। हालांकि बाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जैसे कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि स्थिति अब भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ मुस्लिम समुदाय जो है वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अगर बात की जाए जय श्री राम के नाम के पीछे हिंसा करने की, तो ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले अगर मैं थोड़ा आपको पीछे लिए चलूं तो यूपी से थोड़ा दूर झारखंड, जहां आज से महज 2 साल पहले एक मामला सामने आया था जिसे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यहां एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। मृतक की पहचान 24 साल के तबरेज अंसारी के रूप में की गई थी। शायद अब आपको याद आ गया होगा कि किस मामले की मैं बात कर रही हूं। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें से एक वीडियो में तबरेज अंसारी को लोग लकड़ी के डंडे से पीट रहे हैं। इस घटना का एक कथित वीडियो भी सामने आया, जिसमें पीड़ित को जय श्री राम और जय हनुमान बोलने के लिए विवश किया जा रहा है। और ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में उस वक्त तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिनमें यह तक कहा गया कि जय श्री राम का नारा हिंसा का बहाना है। कुछ लोगों ने इस बयान की निंदा की, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तमाम तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। जिस उत्तर प्रदेश को यह कहा जा रहा है कि वो उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर लगातार आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिस उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हम आपसी सौहार्द जो है वो प्रदेश में लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस उत्तर प्रदेश में हिंसक तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में थप्पड़ मार लड़की सामने आई, जिसका नाम प्रियदर्शनी था, जिसमें बवाल कट गया। उसके बाद इसकी खूब आलोचना हुई, उसके बाद अब ये मामला सामने आ रहा है कानपुर में। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और आखिर कब तक होता रहेगा? उत्तर प्रदेश में फिलहाल छवि ये कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की छवि जो है वो वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने काम किया, खुद मॉनिटरिंग की, सड़कों पर उतरे, ऐसे में बार बार उत्तर प्रदेश की छवि क्यों खराब हो रही है, इसके पीछे कौन है आखिर? क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के नाते ये मामले भड़काए जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? 15 अगस्त बेहद नजदीक है और फिलहाल पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है, लेकिन ऐसे में इन छोटे छोटे मामलों को इतना ज्यादा हवा दी जाती है कि वो एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे और कहेंगे कि जय श्री राम और जय हनुमान पर हिंसा मत भड़काइए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। साथ की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे साथ की बात में उन मुद्दों के साथ जो आपके लिए हैं और आपके लिए ही उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।